मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं RRB NTPC के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, इस मैथ का एपिसोड नंबर 13 है। तो ये 13वां एपिसोड है, इससे पहले के 12 एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस का एक वीडियो हो चुका था, आज हम बढ़ रहे हैं दूसरे वीडियो पर, ठीक है। आइए सबसे पहला आज के लिए क्या कहता है क्वेश्चन। कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 11% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, 84 रुपए अधिक में बेची जाती है, 84 रुपया अधिक में बिकने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले से 84 ज्यादा, यानी कि पहले के विक्रय मूल्य और अब के विक्रय मूल्य में 84 रुपया का अंतर है, यानी ये विक्रय मूल्य का, सुनो जरा, विक्रय मूल्य का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। बात आ रहा है समझ में? तो सुनिए, जब भी विक्रय मूल्य का अंतर दे देगा या दुगो विक्रय मूल्य दे देगा तो अंतर अपना निकाल लीजिएगा। मान लीजिए एक सामान 800 में बेचा गया और वही सामान बाद में 900 में बेचा गया तो 100 के अंतर ना हुआ। दुगो विक्रय मूल्य दे देगा या विक्रय मूल्य का अंतर दे देगा तो आपको क्या करना है, पहले 29% क्या लिखा है, हानि पर बेचा गया, और फिर कहता है 84 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 11% लाभ होता। सुनो सुनो, इधर सुनो जरा, ये दुरंग हुआ कि एक रंग, एक बार लाभ एक बार हानि, दुरंग ना तो जोड़ के, आ एक रंग तो घटा के, सुनिए दुरंग है तो इसको जोड़ दीजिए, 29 11 कितना होता है 40%, आ इस 40% के बराबर लिख दीजिए वो विक्रय मूल्य का अंतर। अब आपको 100% का मान निकाल देना है, उसका कीमत निकल जाएगा क्रय मूल्य, 84/40 और गुना कितना 100, 0 से 0 काट दिया, 4 से 21 बार में काट दिया, 21 दहाई 210 रुपया हमारा आंसर, और आंसर हो गया ऑप्शन ए। आया समझ में? इतना आसान है गणित, केवल सीखिए तो एक बार, एक बार सीखिए तो सही से। दूसरा सवाल आइए, कहता एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है, 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है, मतलब काम में लाता है, 1 किलोग्राम के जगह कितना किलो वाला बटखारा यूज करता है। बात आ रहा है समझ में? सुनिए, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, क्या कहता है जानते हो व्यापारी, अरे ग्राहक को कहता कि सुनो इधर, जैसे हम खरीद के लाए हैं ना वैसे ही तुमको दे देंगे, ऐसे वैसे हमको समझते हो, समाज सेवा करते हैं, सीधे बात है। कहता कि जैसे हम खरीद के लाए वैसे ही तुमको दे देंगे। अब ग्राहक तो पटिया गया, तो अब क्या किया, वो देखिए कम तौल कर 25% लाभ कमा लेता है। अब बताइए, वो पगला 1 केजी में देता 1000 ग्राम, अब 1000 ग्राम देना चाहिए लेकिन 25% लाभ कमाया तो इसका 25% कितना हो गया, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, यानी 250 ग्राम कम दे रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 केजी का मतलब होता है भैया 1000 ग्राम, यानी वो 1000 ग्राम देता लेकिन उतना पटखारा कम रख ले होगा तभी ना लाभ कमा रहा है 25% का, क्योंकि जैसे खरीदा वैसे बेच रहा है तो बटखारा में गड़बड़ी कैले होगा। तो सुन लीजिए, 25% लाभ कमाया ना तो क्या करना है, सुनो, 25% का मान कितना होता है 1/4, और लाभ कमाया तो इसको जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ दो, 5/4, और 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में क्या करना है सुनिए,
इसको क्या करना है, उल्टा गुना कर देना है, चार ऊपर और पांच नीचे करके, तो कितना बेच रहा है ये पता चल जाएगा। ये वस्तु का केस है, इसलिए उलट के गुना किए हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए, जबकि अमाउंट का केस होता केवल रुपया का चर्चा होता तो सीधा गुना कर देते। देखिए पांच से इसको काट दिया कितना बार में, 200 बार में, तो 200 चौके कितना हो गया 800, यानी वो 800 ग्राम देता है, समझे कि नहीं, 800 ग्राम देता है, कहां है, ऑप्शन बी में है, वो देता है 800 ग्राम। और ऐसे ना दिमाग लगा देना ओ हो कि 1000 ग्राम का 25% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 250 ग्राम लाभ कमा रहा है, तो 1000 में 250 घटा दोगे 750 मार दोगे, 750 ऑप्शन ए में मिल जाएगा, मार दोगे गलत हो जाएगा, हाँ ऐसे नहीं होगा, देखो कैसे होगा, 25% लाभ कैसे कमाएगा, वो खरीद के लाता होगा 1000 ग्राम, सुनिए वो खरीद के लाता होगा 1000 ग्राम, जितना पैसा में उतना पैसा में वो 800 ग्राम बेचता होगा, तो 200 ग्राम तो भैया लाभ कमाया ना, ये 200 ग्राम लाभ कमाया कितना बेचकर, 1000 ग्राम की 800 ग्राम, 800 ग्राम, तो बत्ता में लिखना है 800 और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना, ये चेक करके आपको बता रहे हम, 20 से 20 कटा, 2 चौके 8, 4 से 100 कटा कितना बार में, 25 बार में, 25% हो गया आंसर। ये देखिए 25% लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो 800 ग्राम बेच रहा है, वो 1000 ग्राम खरीद के ला रहा है और उतने पैसा लेके 800 दे रहा है, देखिए ऐसे होता है, ऐसे व्यापार होता है, व्यापारों को लेके लूर नहीं है आप लोग को अभी, आइए सुनिए तीसरा, देखिए तीसरा कहता है क्या, राजीव ने दो पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीद कर 10% लाभ एवं 15% लाभ पर बेचा तो उसे 2700 रुपये प्राप्त हुए, 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है। अब सुनो क्या कहता है, राजीव ने दो पुस्तक को बराबर दाम पर खरीद कर 10% लाभ और 15% लाभ पर बेचा और 2700 रुपया प्राप्त हुआ तो 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य, ये 2700 रुपया उसको प्राप्त हुआ माने दोनों को बेच दिया 2700 में, तो एक बात बताइए ये पहला पुस्तक का दूसरा पुस्तक, पहला को बेचा 10% लाभ पर, मतलब कि पहला का 110% विक्रय मूल्य, अनुपात में देखो कैसे लिख रहे हैं, आ दूसरा को बेचा रे भाई 15% लाभ पर, तो दूसरा का 115% विक्रय मूल्य, आ प्रतिशत दिए काट, अब काट दिए तो अब काट सकते हैं 5 से या 21 से काट दीजिए, 21 22 5 से काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा 5 से, और 5 से यहां काटेंगे तो 23 बार में कट जाएगा, ठीक है 5 से 5 दूना 10 पांती 15 22 और 23 बार में कट गया, हमें टोटल 2700 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 22 और 23 को जोड़ देते हैं दोस्तों, 23 और 22 को जोड़ देते हैं तो 3 2 कितना हो जाता है 5 और 2 2 4 यानी अनुपात में हुआ टोटल विक्रय मूल्य 45 जबकि रियल में टोटल विक्रय मूल्य है 2700, अनुपात एक का वैल्यू कितना तो 2700 के बट्टा में 45 है, 9 5 45 और 9 3 27 और 5 6 30 अनुपात एक का वैल्यू 60 हुआ। सवाल कहता है कि बताइए जरा कि 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य, ठीक है 10% वाला यहां था, इसका विक्रय मूल्य 22 है, देखो अनुपात एक का मान 60 तो 22 का मान कितना, 22 गुना 60 0 6 दूना 12 6 दूना 12 एक 1320 ए 1320 कहां है, यहां है ऑप्शन बी में है। आइए अगला सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए जरा चौथा क्वेश्चन को, कहता है कि 8000 रुपए में दो इलेक्ट्रिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पहले को 40% लाभ में बेचा गया, दूसरे को 40% हानि में बेचा गया, यदि दोनों के मामले में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था। अच्छा दोनों का क्रय मूल्य पूछा है ना, एक काम करो अनुपात में लिख लो, अनुपात में सुनो क्या कहता है, 8000 रुपए में दो इलेक्ट्रिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पहले को 40% लाभ पर बेचा यानी इसका 140% लिख देंगे, आ इसमें क्या करेंगे, इसमें कहता है 40% हानि, तो यहां 100 में 40 जोड़े थे इसलिए 140 हुआ, अब अगला में 40% हानि है तो 100 में 40 घटा देंगे
यहाँ 60% हो जाएगा, प्रतिशत प्रतिशत काट दिया, जीरो जीरो काट दिया, 14 के आधा 7 तो 6 के आधा 3 और रुक जाना, ये टोटल अमाउंट कितना है 8000, तो यहाँ 7 आ 3 अमाउंट अनुपात में 10 और रियल में 8000, अनुपात एक का वैल्यू 0 से 0 कट गया तो 800, अब एक का वैल्यू 800, सवाल कहता है तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था, एक का वैल्यू 800, तीन का वैल्यू कितना 8 3 2400, एक का वैल्यू 800 तो 7 का वैल्यू 7 8 5600, 5600 और 2400, 2400 5600 कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन ए में है। आगे बढ़े, आइए 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 जरा अगला सवाल पर। तो देखिए जरा पांचवा सवाल कहता है कि एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है, यदि वह 7% डिस्काउंट देता है तो लाभ में 15 रुपया कम कमाता है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, क्या कहता है जानते हैं, सवाल कहता है कि 5% डिस्काउंट देवे करता है घड़ी बेचे वाला आदमी, लेकिन अगर 7% डिस्काउंट दे देता, माने डिस्काउंट ज्यादा दे देता तो 15 रुपया कम कमाता, पहले जितना कमाता था ना उसे 15 को कम कमाएगा। एक बात बताइए, अब 5% के बदले 7% डिस्काउंट दे देगा, इसका मतलब वो 2% और कम कमाएगा, जबकि रुपया में कहा 15 रुपया कम कमाएगा, यहां से रिलेशन मिला। अब सुनिए, 2% कम इधर, 15 रुपया कम, कम कम हो गया आपस में समान। अब 100% का जो मान होगा तो 15/2 × 100, 2 से कटा 50 बार में 15 × 5 = 75, 750 है कहीं, है ऑप्शन बी में, लीजिए ऑप्शन बी हो गया है। अगला सवाल पर आ जाइए, कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान को बेचता है, वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपए में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। सुनो, वो 10% डिस्काउंट पर बेचता है और कहता है वह किसी वस्तु पर उसे 900 रुपया में मिला है, यानी वो खुद खरीद कर लाया है 900 में, कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो, 10% लाभ कमाना चाहता है। सुनो, ये पहला जो 10% छूट देना चाहता है और फिर भी 10% का लाभ कमाना चाहता है, वो नए का दाम क्या छापेगा, वो खुद दिलाया है 900 में खरीद कर, तो 10% का मान 1/10 छूट हुआ ना, तो 9/10 लिख लीजिए। अब क्या करिए, 9/10 लिख के छूट वाला मान लिखे हैं, जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है 100 में उतना जोड़कर लिख दीजिए, 10% लाभ कमाना है तो 110% लिखिए, 20% लाभ कमाना है तो 120% लिखिए, 5% हानि कमाना है तो 100 में 5 घटा के यहां 95 लिखिए। अब सुनिए, तो 1 का वैल्यू क्या लिखना है, सुन लीजिए, 0 यहां हो गया, यानी यहां पर हो जाएगा आपका 1100 और बट्टा आ जाएगा 9%, ये 1 का मान हो गया, 1 मतलब टोटल का वैल्यू, यानी 1 डिनोट करता है 100% को, यानी कि इतना परसेंट दाम छापना होगा, तो 900 का कितना 1100 × 9%, अब प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1100 रुपया आ जाएगा, कहां है, यहां है ऑप्शन बी में। अगला सवाल में आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर सवाल का कहना है, कहता है कि रोहन की आय का 2/3, मोहित की आय का आधा है, यदि दोनों की कुल आय 38,500 रुपए है तो दोनों की आय का अंतर क्या है, दोनों की आय का अंतर क्या है। कहता है कि रोहन का आय का 2/3, रोहन के आय का 2/3, अब कहता है मोहित के आय का आधा है, रोहन का 2/3, मोहित का आधा, सुनो सुनो, रोहन अबट्टा मोहित, उधर लिख दो 3 तो ऊपर चल जाएगा 3, और 2 ऊपर में है नीचे आ जाएगा 2 × 2 = 4, यानी हम कह सकते हैं कि रोहन और मोहित अनुपात में कितना, ये रोहन का वैल्यू 3 और मोहित का वैल्यू 4 हो गया, 3:4, यहां पर कहता है कुल आय 38,500 रुपए है तो दोनों की आय का अंतर क्या होगा, कुल आय है 38,500, सुनिए सुनिए सुनिए, यहां पर कुल आय है 38,500, ठीक, अंतर निकालना है तो दोनों में अंतर कितना 1, कुल कितना का 4 × 3 = 7 का, बस कर दीजिए काम।
सात पच पैंतीस, सात पच पैंतीस दो जीरो पचपन सौ, कहां है? ऑप्शन डी में है, हो गया ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी। अगला सवाल आइए, क्या कहता है देखिए, कहता है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 18 रुपए अधिक से बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? थोड़ा देर पहले वो सवाल पढ़ाए थे जिसमें हम बोले आपको कि दो रंग तक जोड़ के एक रंग तक घटा के, वैसे ही वाला है, सुनिए ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, अब कहता है यदि वह उस वस्तु को 18% अधिक में बेचे तो 18% लाभ कमाता है, 18% अब लाभ हो गया। रुक जाना रुक जाना रुक जाना ए, रुक जाना, वो जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, सुनिए। दोनों लाभ है तो दोनों लाभ है तो दो रंग हुआ कि एक रंग, दो रंग की एक रंग तो एक रंग, तो एक रंग है तो काम होगा घटा के, 15-18 को घटा लीजिए 3% लिख दीजिए, केवल घटा के यानी अंतर लिखना है, इसके बराबर में विक्रय मूल्य का अंतर, 18% अधिक में बेचे इसका मतलब पहले से 18 रुपया अधिक में बेचे इसका मतलब पहले से 18 रुपया आप ज्यादा में बेचेगा, यानी ये 18 रुपया का अंतर हुआ इधर 3% का अंतर। अब 100% का मान निकाल लो कैसे, 3 का 6 गुना होता है ना, तो 100 का 6 गुना 600 हो जाएगा, 600 कहां है? यहां है ऑप्शन बी में। अगला सवाल आइए, क्या कहता है देखिए, कहता है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक व्यापारी क्या करता है ना, एक व्यापारी क्या करता है, दिमाग लगा लिया है कि ग्राहक आ नहीं रहा है लॉकडाउन में, तो कैसे ग्राहक को बुलाया जाए, पैसा तो लोग के पास है नहीं, तो व्यापारी करता क्या है, वो एक बार क्या करता है ना कि 18% का छूट दे देता है, लेकिन लेकिन ये 18% छूट देने से पहले वो अपने को तरीका फिट कर ले है, ट्रिक कि 25% सामान के दाम बढ़ा दिया है, सामान का दाम पहले 25% बढ़ा देता है और फिर 8% का छूट दे देता है, तो एगो बात बताइए एक ही सामान पर दो बार घटना घटा दिया कि नहीं? घटा दिया, तो जब एक ही वस्तु पर लगातार दो बार घटना घटेगा तो ए बी फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। सुनो सुनो, दोनों बार, एक बार है अधिक एक बार कम, तो माइनस में लिखाएगा आई प्लस में लिखाएगा, यानी पहला 25% प्लस में, अगला 8% माइनस में, फिर ये दोनों गुना करके यहां लिखा गया है ए बी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब 25 × 8 बट्टा में कितना 100, 25 में से 8 गया तो 17, ठीक है। अब माइनस, सुनो सुनो सुनो, ये 25 × 4 100, 4 से काटा दो बार में तो माइनस 2, 17 में से 2 गया तो 15, 15% कहां है? यहां है, ऑप्शन बी में है, हो गया ना, समझ में आ रहा है? इतना आसान है गणित, झूठ मूठ के आप लोग हैं भारी बने ले, इतना भारी भी नहीं है। एगो बात सुन लीजिए, ये आपको आसानी से गणित सीखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब करना है तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर गणित सीखना है तो जुड़े रहिए, अच्छे से सीखिएगा, अच्छा स्कोर करिएगा, और रेलवे के एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। हमारा 490 रुपया में भी पूरा कोर्स चल रहा है जो कि धुरीना पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे वहां पर कोर्स खरीदना है, कैसे देखना है। उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ भी है, जीके भी है, साइंस भी है, रीजनिंग भी, अब मात्र गुरु दक्षिणा है 490 रुपया, एग्जाम तक वो चलेगा, कंटिन्यू वहां भी तैयारी कर सकते हैं, यहां भी तैयारी कर सकते हैं, जब तक मेरी सांसें चलेगी यूट्यूब पर मैं लगातार पढ़ाऊंगा, पढ़ाते रहूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू। कोर्स लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।